खाना वाना खाएंगे हम, ठीक है। बाय बाय। 350 लिए थे आपके, कितने लूं? चलो घर देखने ना, मामी के घर पे तो जब आएंगे, जब मामा दावत बुलाएंगे। चलो भैया हम यूट्यूबर नहीं है, गन्ने वाले अंकल कह रहे हैं तुम यूट्यूबर नहीं हो, ऑटो वाले हो तुम तो। भैया काय थे फालतू वीडियो बना रहे हो। तो मैंने कहा भैया कोई यूट्यूबर थोड़े ना होता ऑटो वाला। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों देख सकते हो सिग्नेचर पे खड़ा हूँ भाई, सिग्नेचर पे यूँ खड़ा हूँ मैं। ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे और भैया वो हमको बुक करके लेके जा रहे हैं, यानी कि रिठाला मेट्रो। उन्होंने कांटेक्ट करा हमको, मैंने कहा चलो भाई लेके चलते, क्या दिक्कत है, हमें तो पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाएंगे बस, समझ रहे हो। और इसीलिए भाई मैंने कहा जुड़ते जा रहे हैं हमसे, मिलते जा रहे हैं, तो मेरी चलो भैया हमारा काम बढ़िया फैलता ही जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो मेरी क्यों मना करेंगे भाई हम, समझ रहे हो। अभी फोटोग्राफर कर रहे हैं उधर, फोटो वोटो खिंचवा रही है, तो मैंने कहा चलो भाई। दोस्तों कहने का मतलब यही है भाई, ब्लॉग यही से शुरू कर दिया है। सिग्नेचर देख लो भाई, सिग्नेचर जो लोग नहीं आ सकते ये देख लो भाई, सिग्नेचर ये सिग्नेचर है ना, इसके ऊपर कांच देख रहे हैं, कांच वो कांच ना भाई, होटल है, होटल समझ रहे हो, वो होटल है ऊपर। यहाँ पे बराबर में लिफ्ट लगी हुई है और यहाँ पे सीधा ऊपर जाओगे तो लिफ्ट लगी हुई है खाना खाने के लिए, और आप खाना खा सकते हो यहाँ पे आके। ये जमुना जी हमारी, ये जमुना जी है ना, ये मथुरा वृंदावन बाद में जाएगी, पहले दिल्ली से गुजरते है, लेकिन दिल्ली के हालात ये है भाई। दिल्ली में ना जमुना जी नदी काली बिल्कुल एकदम, इतना प्रदूषण होता है, इतनी काली है दोस्तों, इतनी काली नदी है बहुत ज्यादा। कहने की बात यह है कि भाई दोस्तों मथुरा वृंदावन में इतनी अच्छी नदी होती है साफ सुथरी, दिल्ली में इतनी काली क्यों है, समझ में नहीं आता भाई, समझ रहे हो। तो भाई ब्लॉग चालू कर दिया, पूरा ब्लॉग देखना यहाँ से लेके रिठाला, रिठाला जाके रोटी खाएंगे और रोटी खा के फिर अपना काम करेंगे। दिन का बज रहा है एक, हमने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया और अपने सब्सक्राइबरों को मिलवाते हैं आपको, उनकी बहन जी मतलब नंबर भी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं है तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देते हैं। और सब्सक्राइबर अच्छे लगते हैं भाई, हमें हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, और कहीं जाना होता तो हमारा ऑटो भी बुक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों धूप हो रही है, और ये देखो ये हमारा ऑटो नहीं है, ये हमारे छोनू भाई का, छोनू भाई ये जा रहे हैं 500 रुपए की सवारी लेके बुराड़ी। बताओ हम जाते हैं 300 रुपए में 25 किलोमीटर, ये 500 रुपए में 10 किलोमीटर। ये देखो माल लोड हो रहा है भाई फुल, देख रहे हो माल लोड हो रहा है फुल। तो भाई ये हमारे सब्सक्राइबर है, इनको कहते हैं फोटो वोटो खिंचवा लिया तो चल देते हैं, समझ रहे हो गया। ये लड़कियां हैं, समझ रहे हो, जिस दिन होटल खुलेगा ना उस दिन जलेंगे ओपनिंग। अभी सियासत चल रही है सरकार की, इस पे सियासत, किससे कांटेक्ट दिया जाए, कौन खोलेगा कौन कौन नहीं खोलेगा, क्या है क्या नहीं, समझ रहे हो। चले दोस्त आ जाओ, इनका फोटो वोटो खींच दूं मैं, खींच रहा है मैं खींचू फोटो, मैं खींचू फोटो नहीं, मैं खींच देता हूँ। अरे सिग्नेचर ही तो आता है, फोटोग्राफर ही वादी क्या होते, लाओ कैमरा। तो कैमरामैन जो होता है ना उसको आता है, तुमको नहीं आता। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कैमरा छोटा है शायद इसीलिए नहीं आ रहा है कि नहीं। देखो भाई कैसा आएगा कैसा नहीं, ये तुम देख लेना। अब तुम अपना काम करो, शाम को मिलते हैं, ठीक है। रिठाला जा रहा हूँ, वहां से देखता हूँ, वहीं रोटी खाऊंगा, रोटी खा के फिर अपना काम करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों चलते हैं रिठाला, ठीक है। अब भाई फोटो क्या, मैं नहीं पता कैसा आया हुआ तुम्हारा, कैसा नहीं आया हुआ अब क्या करें, काम हमारा यही है ब्लॉगिंग का। अब ये चलो ठीक है, अब
अभी तो सीएनजी भी लेनी है। तो खींच दूं यहाँ से भाई, तुम गाली मत देना मुझे। 500 रुपए ले लिए मैंने उनसे, अब देखते हैं इसमें से कितने काटेंगे। सीएनजी भरवा लेते हैं, देखो लाइन में लगा हुआ हूँ भाई, और वो हमारे उधर खड़े हुए हैं कस्टमर, देख रहे हो। फोटो वीडियो खींचने का बहुत शौक है, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पर ये सबका सीएनजी भरवा लेते हैं, और सीएनजी भरवा के सीधा हम जाएंगे भैया रिठाला, और रिठाला में ही बैठ के रोटी खाएंगे। 2 बज जाएंगे कम से कम रोटी खाने में भी ना, तो सीएनजी भरवा लेते हैं। सीएनजी भरवा के सीधा हम रिठाला मेट्रो में मिलते हैं, और वहीं पर खाना खाएंगे, और फिर वहीं से भैया ओला चालू कर देंगे अपना, समझ रहे हो। अभी लाइन लग रही है यहाँ पे, जो है देखो ऐसी लाइन लगानी पड़ती है हमको, तो यहाँ पे लगेगी नहीं, आगे करनी पड़ेगी। ये देखो टेंट डीली कर रखी है तुमने, अच्छा चलो ठीक है दोस्तों, पेट्रोल मतलब सीएनजी भरवा देते हैं जी। हाँ जी ढीली होगी, हाँ ढीली होगी, नहीं ढीली करके बैठना पड़ता, टाइट से नहीं होता। देखो मेरी भी ढीली है, देखो सब ढीली करके बैठते दोस्तों। हमारे ऑटो की लाइन सब एक लगती है, देखो ऑटो की लाइन अलग, ट्रक की लाइन अलग, और देखो बड़े ट्रक की लाइन अलग, ऐसे सब लगते हैं यहाँ पे। देखो ये सारी ऑटो की लाइन है हमारी, देख रहे हो, नंबर से ही भरी जाएगी, बिना नंबर के नहीं भरेगी भाई, ये बात सही कहते हैं। बिना नंबर के कोई भी काम नहीं होता, नंबर से ही सब लाइन रोकती है। आगे करना पड़ेगा क्या है, नहीं सब ज्यादा आती नहीं ना, है ना आती नहीं, हाँ 200 रुपए ही सही आ गई ये, ठीक है चलो भाई, चलो भाई सीएनजी भी भर गई हमारी, और ब्लॉक को देते हैं ग्राम, मतलब खत्म नहीं कर रहे उनको, कस्टमर को बिठाते हैं इसमें, और फिर भैया वहां जाएंगे रिठाला, रिठाला जाके मिलते हैं। ये आ गए हमारे कस्टमर, 350 लिए थे, आपके कितने लूं? हैं? मामी के घर पे तो जब आएंगे, जब दामाद दावत बुलाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं तुम जाओ, अरे जाओ ठीक है। जाओ लंच वंच करेंगे, अब खाना वाना खाएंगे हम, ठीक है बाय बाय। छाछ छाछ है, पीने का है क्या, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे देना, एक कोल्ड ड्रिंक है 20 वाली देना, सेंटर दे देना। ये मसाले वाला है, बाय। अब भैया मिल गए, रोटी तो नहीं खाएंगे, रोटी वहीं खाएंगे, इनको छोड़ के, समझ रहे हो, इनको छोड़ के रोटी खाएंगे भाई, पहले इनको ले लेते हैं, फिर इनको ड्रॉप कर देते हैं, फिर रोटी खाएंगे। चलो भाई माफी चाहते हैं, बीच में ब्लॉग आ नहीं पाया, अभी 2 बज रहे हैं समझ रहे हो, और रोहिणी आया था रिठाला से आगे सब तक 24, तो उसके बराबर में ही मैं ना प्रशांत बिहार थाना, देखो थाने का बोर्ड भी लग रहा है, समझ रहे हो, ये देखो थाना दिख रहा है, प्रशांत बिहार का थाना देख रहे हो, प्रशांत बिहार का थाना। तो मैंने सोचा भाई यहीं पे गाड़ी लगा के अपना लंच कर लिया जाए, 2 बज रहे हैं 2:30 बज गया, तो ये मठा लिया था वहां से बीच में ही, तो ये मठा डाल देंगे इस गिलास में, दाल तो बहुत ज्यादा भर दी है, लेकिन क्या खा पाएंगे इतनी दाल हम, क्यों भाई। ये भाई रोटी, रोटी भाई घर की अच्छी लगती है, समझ रहे हो, रोटी खा के फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ओला उबर ऑन कर देंगे, शाम तक अपडेट करेंगे दोस्तों। रोटी खा लेते हैं, रोटी खाते समय बोलते नहीं है, रोटी खाने के बाद में पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो रोटी खा लेते हैं दोस्तों, क्या करें, जिंदगी अपनी ऐसी है कि भाई रोडों पे बैठ के खाना है, रोड पे ही कमाना है, रोड पे ही, रोडों वाली जिंदगी है अपनी, समझ रहे हो, अभी कुछ नहीं है, अभी बस वीडियो बनाओ ब्लॉग डालो, 2025 में मिलेंगे भाई, अभी रोटी खा लेते हैं बस, अकेले जीने जीनी जिंदगी, अकेले जीना है,
किसी का साथ नहीं। पानपुरी में भाई साहब जूस पे गए, जूस गन्ने का जूस निकालो, जूस पिला दो भाई साहब। गर्मी आ गई है, गर्मी में जो है जूस बहुत ही फायदेमंद होता है भाई, जूस जरूर पीना। गर्मी में दो तीन गिलास जूस पीना चाहिए क्यों इंसान को, क्योंकि पता क्या फायदेमंद होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। अरे ये तुम जूस पिलाओ ना, वो हमारा काम है, आप जूस बनाओ, आप जूस पिलाओ हमको, ये हमारा काम है कि हम किसको दिखा रहे हैं और किसको नहीं दिखाएंगे। आते हैं तुम्हारा, अच्छा जी। नहीं नहीं हम यूट्यूबर नहीं, हम तो ऑटो वाले हैं जी, हम तो ऑटो वाले हैं, हम यूट्यूबर नहीं है। ऑटो वाला कोई यूट्यूबर हो सकता है क्या? ऑटो वाला कोई यूट्यूबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, देख लो, तभी तो कह रहा हूँ मैं ऑटो वाला हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, ऑटो चलाता हूँ भाई साहब। रो गुजर कर रहे हैं, रोटी पानी कमा रहे, खा रहे हैं यार, कहाँ बनेंगे यूट्यूबर हम, है कि नहीं? ये कितने वाला है? 20 है, इसमें कम आएगा, 10-10 वाले पियेंगे तो ज्यादा आता है ना? नहीं बराबर ही है। चलो कोई नहीं, थोड़ा ज्यादा डाल देना है कि नहीं? पानी की जगह मैंने ये पी लिया, पानी की प्यास थी लेकिन मैंने नहीं, पानी नहीं जूस पी। आ रहा है वीडियो, आ रहा है, मूंछ बन गई चलो पैसा दे दें तुम्हें, ये लो ठीक है। चलो भैया हम यूट्यूबर नहीं है, गन्ने वाले अंकल कह रहे हैं तुम यूट्यूबर नहीं हो, ऑटो वाले हो तुम तो भैया, काय थे फालतू वीडियो बना रहे हो। तो मैंने कहा भैया कोई यूट्यूबर थोड़े ना होता ऑटो वाला। तो दोस्तों सुल्तानपुरी आ गया हूँ इस समय, सुल्तानपुरी से देखते हैं किस्मत क्या रंग लाएगी क्या नहीं लाएगी, बैठते हैं आधा एक घंटा, शाम के 4 तो बज गए, बाकी देखते हैं भाई, समझ रहे हो। गर्मी हो गई इस बारे, मैंने जूस पी लिया पानी की जगह, और इसके बाद में देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, पूरा अपडेट करेंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है बाय। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6, हम कर रहे हैं कहाँ पर, ईडीएम मॉल पे खड़े हैं। क्यों उस्ताद जी ईडीएम मॉल है रे, कितने कमाए आज सही बता ना? 400 जो उस्ताद जी ने 400 रुपए कमाए, यानी कि घर का खर्चा निकल गया है, अपना खर्चा निकल गया है, बाकी बैंक के लिए बैंक में क्या डालोगे? बैंक में नहीं डालोगे, पहले घर का खर्चा पूरा तो बैंक में चलेगा। अरे लखपति बन गए ऑटो वाले, बताया तुम्हें ऑटो वालों का पैसा। अब मैं तो ये सोच रहा था तुम कम से कम 400-500 रुपए गिनने बैंक में ले जाके डाल लोगे स्पेशल अलग, अब तुम कह रहे हो यही 400 कमाए, किसकी सीएनजी भरवा दूंगा, तो घर क्या लेके जाओगे फिर? देखेंगे कुछ आएगा तो ले जाएंगे, नहीं आएगा तो क्या ले जाएंगे, मेहनत देगा कुछ भी लेके जाओगे? जरूरी है मेहनत मिलेगा जब तो ले जाएगा, जबरदस्ती किसी का जेब काटेगा। तो कहने का मतलब है भाई ऑटो वालों की इतनी बुरगति हो रही है दिल्ली में भाई, मैं तो उस्ताद जी की तो अपनी गाड़ी होगी तो इनके लिए 400 शायद चलो सही है, आज काम नहीं है, 10 दिन काम नहीं है, महीना भर काम नहीं है। मेरे जी से पूछ के देखो कि भाई मेरी 400 रुपए की ऑटो की गाड़ी है, 300 रुपए की सीएनजी, 100 रुपए का मैं कुछ खा भी लूंगा उस्ताद जी, 800 हो गया, अब 800 में कितना काम करना चाहिए मुझे बताओ, कुछ तो बोलो। 1500 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए टोटली काम 600 रुपए का सुबह से हुआ है, तो घर तक क्या लेके जाऊं, गाड़ी वाले को क्या दूं क्या ना दूं ये बता दो बस। गाड़ी वाले हाँ जी उत्तम नगर वाले तो फरीदाबाद मिलेंगे हमसे पूछ रहे तो दोस्तों कहने का मतलब यही है भैया, जो अपने सपोर्टर थे केजरीवाल जी वो तो अंदर जा चुके हैं दोनों गुरु चलेंद्र बैठे, बोलना चाहोगे कुछ?
क्या बोलूं भाई केजरीवाल के बारे में, क्या बोलूं? कुछ बोलना चाहोगे? हमारे केजरीवाल जी अंदर पहुंच गए, क्या बोलूं मैं? बोलना चाहोगे? नहीं बोलेंगे। उसका ढंग लग रहा है भाई, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए भाई, समझ रहे हो? चंद्र पटेल क्या करें बाबू, ना केजरीवाल जी मनुष्य। हाँ जी हाँ जी, जाएंगे सिलमपुर, मेरे को जानते हैं यार, उस वाले में बैठो। जाने वाले पैसे बताए, मेरे को जाना भी है घर। ठीक है उस्ताद जी, तो ये वाला जो अपना वीडियो है ना, ये YouTube पर देखना, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अंकल जी को भी करवा देते हैं, बाकी अंकल जी को पता लग जाए कि हम वीडियो बनाते हैं YouTube के लिए। अंकल जी फोन निकालो फटाफट, जल्दी सवारी बढ़ गई है, जल्दी निकालो, एक चीज दिखा हुआ जल्दी निकालो। ये जो वीडियो बनाया हमने, कम से कम देख सको तो सही सको कहाँ पे डालेंगे हम, कहाँ पे नहीं डालेंगे। YouTube खोलो, YouTube जल्दी खोलो फटाफट, YouTube खोलो, नेट खोलो, एक मिनट चल रहा हूँ। सुबह सिप आ जाएगी राजीव कश्यप ब्लॉग के नाम से। राजू कश्यप ब्लॉग, ठीक है। अब ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये वीडियो हमने बनाई है तो ये इसी पे रहेगी, ये हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मेरी फोटो देख लो, ठीक है, और ये वीडियो है मेरी, तुम्हारी फोटो है, तुम्हारी वीडियो जो हम रिकॉर्ड करी है ना, ये हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी वीडियो है और ये वीडियो बनाते हैं, और ये जो रिकॉर्ड करिए ना पूरी वीडियो, ये सारी तुम्हारी कहाँ पे आएगी? यूट्यूब पे सो आएगी, ठीक है, चले बाय बाय। चलो ठीक है भाई, सीलमपुर की ड्यूटी भी लगी है, चलते हैं घर भाई।